के नमस्कार। एक चिता पर पूरा का पूरा परिवार साथियों अंतिम संस्कार किया गया है। जी हां दोस्तों, अभी की ऐसी बड़ी खबर आ रही है कि पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। अभी की सबसे बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है हरियाणा के रोहतक से आ रही है। हरियाणा के रोहतक में एक ही चिता पर परिवार के चार लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। इनमें पति पत्नी और उनके बेटा बेटी शामिल है। यहाँ शनिवार को गुरुग्राम की कंपनी में काम करने वाले संदीप ने अपनी पत्नी बेटी का कत्ल कर दिया था, जिसके बाद 2 साल के बेटे के संग ट्रेन के आगे छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने इस मामले में मृतक महिला के ससुर, सौतेली, सास और देवर के खिलाफ मरने की मजबूर करने का केस दर्ज किया है। इससे पहले पुलिस ने चारों के शव को पोस्टमार्टम कराया है। हालांकि परिवार के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तक शव ले जाने से अंतिम संस्कार न करने इनकार कर दिया। रोहतक पीजीआई में मोर्चुरी हाउस में गेट पर धरना लगाकर बैठे गए हैं। पुलिस ने बात नहीं सुनी तो उन्होंने मेडिकल मोड पर 1 घंटे जाम लगा दिया। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा में एक चिता पर पूरा परिवार का अंतिम संस्कार। बेहद बुरी खबर। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू।